मैं मुना बॉम्बे वाला एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कन्फर्मेशंस राइट. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट कन्फर्मेशंस आर रोटेशनल आइसोमर्स एंड द टू एक्सट्रीम रोटेशनल आइसोमर्स आर इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड राइट. और हमने देखा कि कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे राइट. इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर आई हैव दीज टू मेजर्स बाई विच आई कैन डू इट, न्यूमन एंड सॉहर्स. Let us talk about the Newman projection now. How can we represent it by Newman projection? नाम से याद रखना है, हम कहीं confuse हो जाए तो याद रखना है new moon. Moon कैसे दिखता? गोल, circle. तो let us see how Newman will look like. How we can represent it by Newman projection. Newman projection. In the Newman projection, say for example, I am talking about the simplest example, that is of ethane. जैसे कि दिस इज सी एच थ्री एंड दिस इज अनदर सी एच थ्री. दैट मीन्स आई हैव टू कार्बन एंड सिक्स हाइड्रोजन एंड दिस रोटेशन इज अकरिंग इन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड करेक्ट. तो आप क्या करना है, आपका जो पहला कार्बन है उसको आप एक डॉट बोल के रिप्रेजेंट कीजिए, द फर्स्ट कार्बन. दिस कार्बन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, अब इस कार्बन से अटैच तीन हाइड्रोजन है, रिप्रेजेंटेड एज थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स. करेक्ट, थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जैसे हमने यहाँ पे बताया था वन टू एंड थ्री. पीछे वाला कार्बन एज पर न्यूमन इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल राइट. पहला कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉट, पीछे वाला कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कल. ठीक, अब इस पे अटैच जो तीन हाइड्रोजन हैं जो हमने रिप्रेजेंट करते वक्त ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये तीन हाइड्रोजन राइट. तो ये तीन अगर फॉर एग्जाम्पल इक्लिप्स्ड हैं तो दे आर लाइक दिस, जस्ट सो दैट वी कैन शो कि देयर इज समथिंग. हम बिल्कुल बाजू में लिख रहे हैं, एक्चुअल में तो वह इक्लिप्स्ड है राइट. और अगर स्टैकर्ड लिखना है मेरे को तो देखिए, पहला कार्बन एक डॉट, उसके ऊपर अटैच तीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स राइट. पीछे वाला कार्बन इज अ सर्कल और उसके ऊपर तीन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, वन टू एंड थ्री, लाइक हमारे देवी के हाथ. करेक्ट, सो this is how, this is this type of Newman projection is called as eclipsed and this wherein all the hands are seen is called as staggered right. So this is how we can represent ethane as eclipsed form and as staggered form right. This is how we can write the conformation and this is how Newman told us to write the conformation. Now let us लर्न एंड अंडरस्टैंड वॉट साइंटिस्ट सॉहर्स टोल्ड अस. नाम है घोड़ा, सॉहर्स राइट. लेट अस सी हाउ ही सेड. ही सेड पहला वाला कि वो बोलता है कि कार्बन को इस तरीके से देखिए, ऐसे यू नो, जैसे कि ये वाला कार्बन सामने है और ये वाला कार्बन पीछे, किसी भी एक कार्बन को सामने पकड़िए. तो जिस कार्बन को आप सामने देख रहे हैं उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए, सॉहर्स घोड़ा राइट. पीछे वाले कार्बन को सॉहर्स बोलता उसको भी एक डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए. यहां पर न्यूमन बोला था पीछे वाले को मून की जैसा रिप्रेजेंट कीजिए, सॉहर्स बोलता दोनों को डॉट्स के जैसा रिप्रेजेंट कीजिए. करेक्ट, नाउ द लाइन दैट जॉइंस देम दैट इज कार्बन कार्बन बॉन्ड करेक्ट. अब सामने वाले कार्बन के तीन हाइड्रोजन शो इट बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अगर इक्लिप्स बताना है तो ये अगेन थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो बिल्कुल एक के पीछे एक है, दिस इज इक्लिप्स्ड राइट. अगर मेरे को फिर से लिखना है स्टैगर्ड के लिए, सामने वाला कार्बन एक डॉट, पीछे वाला कार्बन एक डॉट, दीज आर टू द जॉइनिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन राइट. देन फॉर एग्जांपल सामने वाले कार्बन का ये उल्टा वाई, थ्री हाइड्रोजन अटैच बिकॉज इथेन है, और पीछे वाले कार्बन का मैंने लिख दिया सीधा वाई. तो आप पूरे हाथ नजर आएंगे, इफ आई एम लुकिंग एट लाइक दिस देन आई एम एबल टू सी ऑल द हैंड्स इन दैट थ्री डायमेंशनल व्यू. सो दिस इज स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगर्ड एज पर सॉहर्स प्रोजेक्शन. और देखिए आप देखने में ऐसा लगता है जैसे घोड़ा है, दिस लुक्स लाइक अ एनिमेटेड हॉर्स करेक्ट. सो से हॉर्स टेल्स यू द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ हॉर्स एंड न्यूमन, दिस इज जस्ट फॉर आवर सेक हमको याद रखने के लिए, एंड न्यूमन रिप्रेजेंट्स that it looks like a moon right. This is how by Newman projection
and by Sauer's projection you can represent the eclipsed and staggered forms for a conformational isomer. And here we have taken example of ethane, CH3CH3. We have taken example of ethane. Now the most important thing after representation is the energy. The energy. This you should understand and remember. When the forms are eclipsed, they are comparatively higher energy and lesser stable. जब जब eclipse form है तो energy is high and stability is less. हमेशा याद रखिए energy is more than stability is less. मैं हमेशा अपने students को बोलती हूँ कि हमारे grandparents comparatively they have less energy than us and they are more stable. They are quietly sitting in a place. But we, because we have more energy, we are all the time running. So energy is high, stability is less. ये सिर्फ नहीं apply होता है when we talk about resonance energy. Resonance energy जितनी ज्यादा उतनी stability भी ज्यादा, right? That you can definitely refer when we talked about benzene, right? Okay. अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर energy ज्यादा तो stability कम, right? So here we are seeing that in eclipsed there is comparatively higher energy. ऐसा नहीं है कि energy difference बहुत ज्यादा है. It is hardly 3 kilocalories. You know, eclipse has 3 kilocalorie energy more than standard. ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है. लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना सारा सैंपल है, यू वॉन्ट टू सी कि क्या है एक्लिप्स, यू विल सी दैट देर आर मैक्सिमम इथेन आइसोमर्स एग्जिस्टिंग इन द स्टैगर्ड फॉर्म बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट स्टेबिलिटी. दे डोंट वॉन्ट टू रिमेन इन द हाई एनर्जी, दे वॉन्ट टू हैव इन द टू रिमेन इन द लो स्टेबिलिटी. एम आई क्लियर? सो दिस इज वॉट इज the difference between eclipsed and staggered form. And let us see the energy profile diagram which can represent the same. For example, this is my graph, right? This is my graph. This is energy and this is how rotational isomers are moving. जैसे हम बोलते हैं ये ऐसे घूम रहे, तो मान लीजिए this is the staggered form. Then it becomes eclipsed. Then eclipsed again comes back to staggered, then eclipsed. And the difference is not much, it is just 3 kilocalories. So we should know that which form is more energetic, that is the eclipsed form. And which form is less energetic and more stable, that is the staggered form. In this video we have talked about conformations of ethane. We have talked about how we are representing conformations of any organic compound by means of Newman and by means of Sauer's method. In our coming video, we are going to talk about the conformations of butane, which is another classic example to understand the newer things, the newer concepts attached to conformations, right? The base will remain the same, but we need to understand the conformations of butane also. Right? So keep watching and don't forget to subscribe this channel. Thank you.